हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल क्रिया से होंगे। मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं ग्राफिक ट्रिक्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक फोटोशॉप का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। फोटोशॉप में काम करते हुए हमें अक्सर इमेज जो है इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ते हैं, तो उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की। बगैर इंटरनेट से डाउनलोड किए ही हम जो है उसको ले सकते हैं और जो कंप्यूटर की या लैपटॉप की मेमोरी है उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से फोटोशॉप ओपन करते हैं। फोटोशॉप ओपन हो गया, आप यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको ओके करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वायर्ड से इमेज जो है बगैर डाउनलोड के ही हम उसको जो है अपना डाटा भी बचा सकते हैं इंटरनेट का, और पीसी है उसकी मेमोरी भी सेव होगी। तो चलिए मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ से इंटरनेट को ओपन करते हैं, जैसे गूगल ओपन हो गया। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ लिखते हैं फ्लावर इमेजेस। अब इसको एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वॉलपेपर भी है, फ्लावर्स भी है, कोई भी आप इमेजेस जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजेस पे जो है क्लिक करते हैं, जो सारे इमेज ओपन हो जाएंगे। ये देखें, अब हम कोई भी है उसको यहाँ से लेना चाहते हैं। हमारे पास ये है, इसको देखें सामने, इसको ले लेते हैं। फोटोशॉप पे काम भी करेंगे और हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप की जो मेमोरी है वो सेव भी रहेगी। यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए कॉपी इमेज, कॉपी इमेज किया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, फोटोशॉप ओपन करते हैं। फोटोशॉप ओपन किया, ये देखिए अब यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस वी करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। इसको क्या करते हैं, होम टूल से इसको एक दफा साइड पे लगाते हैं, इसको कंट्रोल टी करके इसको सेट करते हैं। अब हम दूसरा कोई इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं वायर से या नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए सिंपल, यहाँ से कोई भी फ्लावर है उसको हम ले सकते हैं। ये है, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज किया, अपना फोटोशॉप ओपन किया। फोटोशॉप ओपन करने के बाद कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद ये देखे बगैर डाउनलोड किए यहाँ पर इमेज आ चुका है। इसको भी कंट्रोल टी करते हैं और इसको जो है साइज को सेट करते हैं ताकि तीसरी जो पिक्चर है वो वहां पर आ सके। ये देखें एंटर किया। अब फिर हम जाते हैं गूगल पे, ये देखें यहाँ से कोई भी है आप चाहते हैं ये हमें डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी किया। कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पे आए फोटोशॉप में, फोटोशॉप में आए कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद इसको कंट्रोल टी करके इसका साइज सेट करते हैं। ये देखें हमारे जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल सेट हो चुके हैं, ये देखिए तीनों। ऐसे ही हम अपने कोई भी इमेज है उनको कॉपी करके ले आ सकते हैं, क्योंकि हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना हमारा डाटा जाया होगा, ना हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो लॉस होगी, क्योंकि जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं वो कुछ 10 MB की 20 MB की फाइल होती है, कुछ कम की होती है। ऐसे हमारा जो कंप्यूटर है एक एक दो दो पिक्चर करते करते जो है एक वीक दो वीक में जो है फुल हो जाता है। उसको बचाने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप नया से नया सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।